हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सामाजिक प्रक्रियाएं। इससे जो है पेपर में 2 नंबर से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार भी इससे 2 से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन, किसी में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और इसके जो अभी सामाजिक प्रक्रिया का वीडियो देखने पहले अगर किसी ने सामाजिक अंतःक्रिया का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख ले, ये उसी का जो है लिंक टॉपिक है, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम चालू करते हैं और देखते हैं सामाजिक प्रक्रिया होती क्या है। तो सामाजिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे हर परिभाषा को हमने चालू किया इसको भी वैसी करेंगे, कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ जरूरतें होती है और वो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करता है। ठीक है, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ जरूरतें होती है और वो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करता है। सामाजिक अंतःक्रिया का रूप अलग अलग हो सकता है, चाहे वो सहयोग हो या वो संघर्ष हो या प्रतिस्पर्धा हो, सात्मीकरण हो, या किस प्रकार का भी रूप हो सकता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। फिर से मैं परिभाषा बोल रहा हूं, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ जरूरतें होती है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वह दूसरे व्यक्ति के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करता है। यह अंतःक्रिया सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सात्मीकरण किसी भी रूप में हो सकती है। अतः सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी परिभाषा सामाजिक प्रक्रिया की। सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सहयोगी, एक होता है असहयोगी, यानी एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव। ठीक है, तो 2 तरीके की सामाजिक प्रक्रिया होती है, एक होती है सहयोगी और एक होती है असहयोगी। सहयोगी प्रक्रियाएं जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला होता है सहयोग, जिसको बोलते हैं कोऑपरेशन। दूसरा होता है व्यवस्थापन, एकोमोडेशन। तीसरा होता है सात्मीकरण, एसिमुलेशन। और चौथा होता है एकीकरण, यानी इंटीग्रेशन। तो सहयोगी प्रक्रियाएं 4 प्रकार की होती है, सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण और एकीकरण। और असहयोगी प्रक्रिया यानी डिसोसिएटिव प्रक्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रतिस्पर्धा और एक होता है संघर्ष, यानी कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की असहयोगी प्रक्रियाएं होती है और 4 प्रकार की सहयोगी प्रक्रियाएं होती है। तो आपसे पेपर में सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसके 2 टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी दोनों टाइप को बताओ उसके, या इसको अलग अलग करके भी 2-2 नंबर में इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर 1 में आएगा तो ये बड़ा क्वेश्चन के रूप में आएगा, जिसमें आपको ये 4 और ये 2 इकट्ठा समझाना पड़ेगा, और अलग अलग आएगा तो किसी की भी परिभाषा पूछ के 2 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो है सहयोगी प्रक्रियाएं। असहयोगी एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे, आज हम कवर करने जा रहे हैं सहयोगी प्रक्रियाएं क्या क्या होती है और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहली सहयोगी प्रक्रियाएं होती है जिसका नाम है सहयोग, सहयोग यानी कोऑपरेशन। तो सहयोग क्या होता है उसको हम ये परिभाषा के द्वारा समझेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने के लिए या किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर व सामूहिक प्रयत्न ही सहयोग है। यानी हर व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति या समूह भी बोल सकते हैं हम, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी कार्य को करने या कोई एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ प्रयास करते हैं तो इसी को सहयोग कहा जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या 2 या 2 से अधिक समूह जब साथ मिलकर एक समान उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं तो इसे ही सहयोग की भावना कहा जाता है। ठीक है, यानी उनका उद्देश्य एक ही होता है और साथ मिलकर काम कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने या किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास करते हैं उसको कहा जाता है सहयोग। तो सहयोग 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष सहयोग और एक होता है अप्रत्यक्ष सहयोग। तो प्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है, जब सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर एक ही जगह रहकर एक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं तो इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष सहयोग। यानी जितने भी व्यक्ति जो एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं वो एक ही जगह रहते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए, तो इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष सहयोग। जैसे कि कोई भी क्रिकेट मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच या कोई भी मैच हो रहा है जिसमें टीम वर्क की जरूरत पड़ती है,
वो टीम वर्क जो है, जितने भी टीम के मेंबर होते हैं, 11 खिलाड़ी इसके अलावा जो बाहर भी बैठे रहते हैं, सबका उद्देश्य यही रहता है, एक कॉमन उद्देश्य रहता है कि हमको जीत हासिल करना है। तो वो साथ में मिलकर एक प्रयास करते हैं जिसको उस प्रकार के भावनाओं को या उस प्रकार के जो साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं उसको प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। यानी एक टीम वर्क होता है, सब टीम मिलकर जितने भी लोग हैं एक साथ मैदान में मिलकर वो जीतने का प्रयास कर रहे हैं मैच को, तो इस प्रकार के सहयोग को प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष सहयोग। अप्रत्यक्ष सहयोग यानी जो जितने भी लोग हैं उनका उद्देश्य एक ही है लेकिन वो एक जगह साथ में रहकर काम नहीं कर रहे बल्कि अलग अलग जगह में रहकर काम कर रहे हैं और उनका मूल उद्देश्य एक है कि वो चीज करना है कंप्लीट, जो भी उनका उद्देश्य है उसको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार के सहयोग को अप्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है, जहां पर एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति अलग अलग जगहों पर रहकर प्रयास करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य एक ही रहता है, तो ऐसे सहयोग की भावना को अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बाइक का मैन्युफैक्चर हो रहा है, बाइक मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो बाइक के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पर बनते हैं। जैसे कि बाइक की जो लाइट रहती है वो अलग जगह बनती है, हैंडल जो रहता है वो अलग जगह से बन के आ रहा है, पेट्रोल की टंकी अलग जगह से बनती है, टायर अलग जगह से आते हैं और जो उनकी सीट रहती है बाइक की वो अलग जगह बन रही है, लेकिन उनको अलग अलग जगह, उनका मैन्युफैक्चर अलग अलग जगह हो रहा है लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, बाइक का निर्माण करना। यानी वो अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर होने के बाद उनको एक जगह लाया जाता है और एक जगह असेंबल किया जाता है, तो उनका एक उद्देश्य जो विशिष्ट उद्देश्य रहता है बाइक का निर्माण करना, वो पूरा होता है। तो इस प्रकार के सहयोग की भावना को अप्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है, जहां पर उद्देश्य तो एक ही रहता है लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो अलग अलग जगह रह के कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सहयोग को अप्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। अगला हम देखते हैं टॉपिक जो है व्यवस्थापन, जिसका दूसरा नाम होता है समायोजन। ठीक है, व्यवस्थापन आ जाए या समायोजन आ जाए दोनों एक ही है। क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। समायोजन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का एक प्रयत्न है। इसमें संघर्षरत व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति विचारों एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने और परस्पर सहयोग करने लगते हैं। क्या बोल रहा है, जब संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का यह प्रयत्न होता है, यानी मतलब दो लोग ऐसे जिनके बीच अभी तक जो है संघर्ष की भावना चल रही थी, यानी वो दोनों एक दूसरे के विरोधी थे लेकिन अब वो संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अपने जो उनके बीच जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करके अपने एक दूसरे के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को हम व्यवस्थापन या समायोजन कहते हैं। इसमें संघर्षरत व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति विचारों एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने और परस्पर सहयोग करने लगते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको, इसके जो दो टाइप होते हैं उसको मैं समझाऊंगा तो आपको आसानी से यह व्यवस्थापन क्या है या समायोजन क्या समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं समन्वयात्मक समायोजन। समन्वयात्मक समायोजन क्या होता है, तो समन्वयात्मक समायोजन क्या होता है, मान लीजिए अमेरिका और रूस दोनों के मध्य युद्ध हो जाता है, तो दोनों जो है शक्तिशाली हैं और वो युद्ध लंबे समय तक चलता रहता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, अमेरिका और रूस के मध्य जो है रशिया के मध्य युद्ध हो जा रहा है और दोनों ही क्योंकि बराबर के शक्तिशाली देश है और इनके बीच युद्ध बहुत दिनों से चल रहा है, अब वो युद्ध को समाप्त करके मित्रता किया मतलब युद्ध करते करते एकदम थक चुके हैं, कोई निर्णय नहीं निकल रहा है, तो वो युद्ध विराम करना चाहते हैं यानी युद्ध को बंद करना चाहते हैं। तो इनके मध्य जो संधि होती है यानी जो इनके मध्य समझौता होगा उस युद्ध को समाप्त करने के लिए, यानी अब वो जो है संघर्ष की स्थिति को समाप्त करके दोस्ती की स्थिति में आना चाहते हैं, यानी किसी तरह युद्ध को विराम करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो ऐसे मतलब इस स्थिति को ही समायोजन कहा जाता है और ऐसी स्थिति ही समन्वयात्मक समायोजन है। यानी जहां पर दो शक्तिशाली या बराबर के राष्ट्र समाज या समूह अपने संघर्ष को समाप्त करके सहयोग की भावना निर्मित करना चाहते हैं तो ऐसे समायोजन को समन्वयात्मक समायोजन कहा जाता है। जहां पर दोनों बराबर के हों और दोनों जो है मतलब एक दूसरे के मध्य समझौता होगा, कुछ आपस में पैसा लेना देना करेंगे, यानी दोनों बराबर के देश हैं और उन क्या हम अगर इसको देश ना समझ के अगर हम व्यक्ति भी करें तो दोनों बराबर के व्यक्तियों समान पावर हो उनके पास,
तो ऐसे में जब वो सहयोग करते हैं दूसरे का तो उसको ही हम समायोजन करते हैं, यानी वो संघर्ष को समाप्त करके अब सहयोग की भावना ला रहे हैं, यानी वो अभी तक लड़ रहे थे, अब वो लड़ना नहीं चाहते, अपना कुछ दिनों के लिए युद्ध को विराम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के समायोजन को समन्वयात्मक समायोजन कहते हैं। दूसरा होता है अधीनस्थी समायोजन। अधीनस्थी समायोजन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर दो राष्ट्र कोई भी लड़ रहे हैं, एक जो है इसमें से शक्तिशाली है और दूसरा राष्ट्र जो है वो कमजोर राष्ट्र है। ठीक है, जैसे अमेरिका और सीरिया अभी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो शक्तिशाली राष्ट्र होगा वो इसको हरा देगा युद्ध में, सीरिया को जैसे हरा दिया, तो इसके पश्चात क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर अमेरिका अपने जितने भी नियम है यहाँ पर शर्तें यहाँ पे लगा देगा, और ये जो कम शक्तिशाली राष्ट्र उसको उस शर्तों को मानना पड़ेगा। यानी यहां पर भी युद्ध चल रहा था, युद्ध अभी समाप्त किया गया है, लेकिन युद्ध कैसे समाप्त हुआ है, इसमें कम शक्तिशाली राष्ट्र हार गया है और अधिक शक्तिशाली राष्ट्र अब उसमें सत्ते थोप रहा है, यानी उसको अपना अधीनस्थ बना ले रहा है। तो इस प्रकार के समायोजन को अधीनस्थी समायोजन कहते हैं, जहां पर दो अलग अलग शक्तियों के राष्ट्र या व्यक्ति या समूह आपस में संघर्ष की स्थिति को समाप्त करते हैं। तो अधिक शक्तिशाली समूह अपने से कम शक्तिशाली समूहों पर, या अधिक शक्तिशाली व्यक्ति अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति पर विभिन्न शर्तों के माध्यम से संघर्ष की स्थिति को समाप्त करके सहयोग की स्थिति की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे समायोजन को अधीनस्थी समायोजन कहते हैं। तो कुल मिला के समायोजन क्या है, संघर्ष की स्थिति को समाप्त करके सहयोग की स्थिति की ओर बढ़ना। तो समायोजन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक हो सकता है समन्वयात्मक, जहां दो शक्तिशाली समान शक्तिशाली समूह राष्ट्र या जो व्यक्ति आपस में संघर्ष की स्थिति को समाप्त करके सहयोग की स्थिति की ओर बढ़ते हैं, ऐसे को समन्वयात्मक कहते हैं, यानी दोनों के बीच बातचीत से मामला शांत किया जा रहा है। और अधीनस्थी, जहां पर दो मतलब अलग अलग शैली या शक्ति के राष्ट्र व्यक्ति या समाज या समूह आपस में युद्ध को समाप्त करके एक सहयोग की भावना का निर्माण करना चाहते हैं, तो ऐसे को अधीनस्थी समायोजन कहते हैं। जहां पर एक शक्तिशाली होता है, कम शक्तिशाली होता है, जो शक्तिशाली होता है वो युद्ध में कम शक्तिशाली को हरा देगा और अपनी सत्ते उस पर थोपेगा कि आगे से वो ये आक्रमण नहीं करेंगे फिर। ठीक है, तो इस प्रकार के समायोजन को अधीनस्थी समायोजन कहते हैं। अगला हम देखते हैं सात्मीकरण या आत्मसात क्या होता है। तो सात्मीकरण या आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एकीकृत हो जाती है और इसके फलस्वरूप वे संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं। यानी आत्मसात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो अलग अलग मनोवृत्ति के जो भी व्यक्ति है उनका एकीकरण हो जाता है और फिर वो एक यूनिट बनकर आगे काम करते हैं, तो इसी को सात्मीकरण या आत्मसात कहते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई इंडियन जो पर्सन है वो जाके विदेश में रह रहा है या अमेरिका में रह रहा है, तो दोनों के कल्चर पहले अलग अलग है, दोनों की मनोवृत्तियां भाव अलग अलग है, लेकिन वो व्यक्ति जब वहां पर 8-9 साल रह लेता है तो वो उनके कल्चर के हिसाब से ढलने लग जाता है, यानी वहां जैसा माहौल रहता है उस हिसाब से वो ढलने लगता है, यानी उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं वो अपने अंदर लेने लगता है, तो दोनों फिर संयुक्त होकर वहां पर काम करने लगते हैं। वही चीज है आत्मसात या सात्मीकरण, यानी वहां की जो भी कल्चर था या वहां की जो भी संस्कृति थी उसको अपने अंदर ले लिया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही आत्मसात कहते हैं, जहां पर जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एक हो जाती है और वो इसके फलस्वरूप संयुक्त रूप से विकसित होकर काम करते हैं, तो इसी को कहते हैं सात्मीकरण या आत्मसात। तो आप जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आप उससे आसानी से समझ सकते हैं या किस तरीके से वो आत्मीकरण या उनके संस्कृति को या वहां जिस या संस्कृति ना लेके अगर वहां हम काम के अनुसार देखेंगे, वहां की जिस प्रकार से उनका ऑर्गेनाइज्ड वे से काम होता है उस तरीके से देखेंगे तो आप आराम से समझ सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ भारत में जो है कम ऑर्गेनाइज चीजें हैं जो भी है, वहां पे पूरी तरीके से विदेशों में ऑर्गेनाइज होती है, किस तरीके से काम करना है, किस कहां से क्या चीज होना है, ये सब चीज ऑर्गेनाइज होता है, तो उस हिसाब से वो ढल जाते हैं वहां पर। ठीक है, उस मतलब वहां की चीजों को वो आत्मसात कर लेगा। अगला देखते हैं एकीकरण क्या होता है। एकीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है जिसके अंतर्गत समाज के सभी समूह या सदस्य की भावनाएं व्यवहार समान हो जाए।
जबकि एकीकरण का तात्पर्य उन भिन्नताओं के बावजूद भी वे सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित महसूस करें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सामाजिक एकीकरण का तात्पर्य ये नहीं होता कि सभी जितने भी समाज के अंतर्गत आने वाले समूह हैं या सदस्य हैं उनकी भावना या व्यवहार एक समान हो जाए, बल्कि एकीकरण का मतलब ये होता है कि उनकी भावनाएं या विचार भले ही अलग अलग हो लेकिन वो एक साथ, मतलब एक उनका लक्ष्य केवल एक हो, यानी वो काम भी अलग अलग करे, भावनाएं विचार एक साथ हो उसका ये मतलब नहीं, लेकिन उनका जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो एक होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पे लिखा, उनकी भिन्नताओं के बावजूद तो सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित महसूस करे। जैसे कि अगर हम इसके एक एग्जाम्पल से समझे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो है ही, उसके साथ उनका राष्ट्र तो एक ही है, वो है भारत। यानी वो भारत के विकास के लिए काम करे, भले उनके धर्म, जाति, भावनाएं अलग अलग हो, लेकिन उनका मूल उद्देश्य क्या है, मूल लक्ष्य क्या है, भारत का विकास करना, यानी हमारे राष्ट्र का विकास करना, क्योंकि वो उनके ही द्वारा ही वो राष्ट्र मिलकर बना है। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से मिलकर ही भारत बना हुआ है, या जो भी और धर्म जाति लोग हैं, जितने भी हमारे यहाँ धर्म जाति के लोग हैं, उनसे मिलकर ही भारत का निर्माण हुआ है, और भारत का विकास करना ही उनका एक परम लक्ष्य है। ये नहीं कि वो एक साथ मिलकर कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भारत का विकास होना ये लक्ष्य है, तो इसको हम एकीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो वही बोला गया, एकीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है जिसके अंतर्गत समाज के सभी समूह या सदस्य की भावनाएं व्यवहार समान हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि उनकी भावनाएं या उनका व्यवहार समान हो जाए, बल्कि एकीकरण का तात्पर्य उन भिन्नताओं के बावजूद, यानी जो उनके मध्य जो भी ये भावनाएं व्यवहार उनके अलग अलग हैं, लेकिन उनका परम लक्ष्य एक ही होना चाहिए। कि जैसे मैंने बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी भावनाएं, उनके व्यवहार, उनका कल्चर सबका अलग है, लेकिन उनका सब, क्योंकि उनसे ही मिलकर भारत का निर्माण हुआ है, तो उनका एक लक्ष्य, इस कॉमन लक्ष्य क्या होना चाहिए, भारत का विकास करना। तो भारत का विकास होगा वही उसका लक्ष्य होगा, तो उसी की ओर वो समर्पित रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एकीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सहयोगी जो भी भावनाएं हैं उसका सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, एकीकरण जो भी है, ये उसके चार टॉपिक जो हो सकते थे सहयोगी के उस कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष क्या होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला वाला भी, तो इसको भी आप अच्छे से कवर कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं जो भी चीज मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परिभाषाएं भी मैंने समझाई आप उसको वैसे ही लिखिएगा, तो सरल भाषा में मैंने यहां समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूं कि आप तक आपको वो चीजें समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।